नमस्कार मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको डर न लगता हो। बाहर से कोई व्यक्ति बहुत बहादुर नजर आता है, अपने आप को निडर और साहसी करार देता है, लेकिन वास्तव में वो भी अंदर से डरा हुआ होता है। लेकिन ये डर तब खतरनाक हो जाता है जब हम जरूरत से ज्यादा डरने लगते हैं और डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। डर के हावी होने से हमारी सहज स्थिति खराब हो जाती है, जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जीवन की सहजता खत्म हो जाती है। जीवन में मनुष्य की तलाश शांति की तलाश है, सहजता की तलाश है, प्रसन्नता की, सुख की तलाश है, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं होती और इस बीच कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है जब हम अंदर से डर जाते हैं। और आज वही अवसर है। कोरोना के कारण हर व्यक्ति के अंदर मौजूद डर सतह पर आ गया है और ये डर रातों की नींद छीन रहा है। न सिर्फ बीमारी से ग्रसित होने का डर है, बल्कि इस बीमारी के कारण हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, हमारी आमदनी बिगड़ गई है। और न सिर्फ बिगड़ गई है, बल्कि ये आशंकाएं भी सबके अंदर पैदा हो गई हैं कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। किसी किसी को तो पूरी मानव जाति संकट में नजर आती है। और ऐसे में आग में घी का काम करते हैं व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज। कई मैसेज सकारात्मक होते हैं, लेकिन कई मैसेज ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डरा देते हैं। और कई भविष्यवक्ता तो ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं कि इस महामारी के दौर में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, लोग कितना ही कुछ कर लें, इस वायरस से नहीं जीत सकते। दरअसल ये मानसिक स्थितियां हैं। कई लोग डर का व्यापार करते हैं, कई लोग उस डर के व्यापार में सहभागी बनते हैं। कुछ लोग मैसेज तैयार करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, अपने कुछ चंद लोगों से उसे साझा कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो ये जो डर है, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के जीवन, आज की मानव जाति डर के साथ जीने को मजबूर है। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम इस डर को कैसे जीतें, कैसे इस डर से निजात पाएं। जाहिर सी बात है कि जब डर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमें उससे पार पाना ही होगा, क्योंकि यदि हम डर से हार गए तो डर हमारी जिंदगी खराब कर देगा। तो हम डर पर काबू कैसे पाएं, डर से कैसे जीतें, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डर को समझें कि डर आखिर है क्या। देखिए, डर हमारे जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। जैसे निडरता है, वैसे ही डर है। जितनी मात्रा में हमारे अंदर निडरता साहस मौजूद है, उतनी ही मात्रा में डर मौजूद है। ये नैसर्गिक रूप से हमें मिला हुआ है। और डर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। हम अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं डर के कारण, हम अनुशासित रहते हैं डर के कारण। डर हमें जीवन जीना सिखाता है, डर हमें सलीके से रहना सिखाता है, डर हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। डर के कारण ही हम धार्मिक होते हैं, डर के कारण ही हम आध्यात्मिक होते हैं। आज मानव जाति ने इतनी तरक्की की है तो उसके पीछे डर की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारी तरक्की में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में, सब में डर छिपा हुआ है। और जब डर निश्चित मात्रा में हमारे अंदर होता है तो वो प्रेरणा का काम करता है।
वो हमारे जीवन को सही ढंग से चलाने का काम करता है। आज समाज में लोग यदि डर से मुक्त हो जाएं, तो समाज अव्यवस्थित हो जाए, समाज की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, सिस्टम तहस नहस हो जाए। आज शासन प्रशासन चलता है क्योंकि लोगों के अंदर डर है। आज पुलिस प्रशासन काम कर पाती है क्योंकि लोगों के अंदर डर है। यदि लोगों के अंदर डर नहीं होगा, डर सहज रूप से हमें नहीं मिला होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? इस दुनिया में जो भी प्राणी मौजूद है उसके अंदर डर है। शेर जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर भी डर है। यदि वो डर नहीं होता उसके अंदर, तो शेर क्या करता? अराजक हो जाता, निरंकुश हो जाता। मानव के अंदर भी डर नहीं होता तो मानव सभ्य नहीं हो पाता। अपने निडरता के कारण वो एक दूसरे के सर काटते रहता। तो डर बहुत आवश्यक है, सहज है, नैसर्गिक है, एक निश्चित मात्रा में। और उस मात्रा में जब वो प्रेरणा का काम करे, जब वो हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाने में एक अहम भूमिका निभाए। लेकिन जब वो डर उस सीमा से बाहर हो जाता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। तब हमें सजग हो जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ये जो डर है, इसकी मात्रा क्यों बढ़ रही है। क्या इसके पीछे वो संदेश हैं जिन्हें हम लगातार अपने अवचेतन में एंट्री करने की अनुमति दे रहे हैं? वो संदेश जो लगातार नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन संदेशों से दूरी बनाना जरूरी है। हम बचपन से देखते आए हैं कि डर का व्यापार चारों तरफ है। धार्मिक अंधविश्वास के पीछे भी ये डर ही है। हमें कई बार मैसेज भेजे गए कि इस मैसेज को इतनी बार फॉरवर्ड करो, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोग उसी डर से फॉरवर्ड करते रहे। और आज भी यही हो रहा है। कोरोना के नाम से भी डर का एक बड़ा व्यापार फलीभूत हो रहा है, और उसके पीछे कुछ लोगों के व्यवसायिक हित हो सकते हैं, और कुछ लोग सिर्फ डर के मनोविज्ञान में जीते हैं। तो जो भी डरावनी चीज उनके पास आती है, वो उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपके पास कोई मैसेज आता है जो आपको डराता है, भयभीत करता है, तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। आज मीडिया पर भी हम देखते हैं कि डरावनी तस्वीरें प्रकाशित की जाती हैं, डरावने दृश्य दिखाए जाते हैं। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों की चिताएं जल रही हैं, इतने लोग एक साथ चले गए। देखिए, जीवन और मरण ईश्वर के हाथ में है। जब जिसकी मौत आती है, वो चला जाता है। हम डर के कारण प्रेरित हों, अपने आप को अनुशासित रखें, अपने आप को नियमित करें, अच्छा भोजन करें और स्वाभाविक रूप से जिएं। अनुशासित रहते हुए जितना नैसर्गिक हो सके उतनी कोशिश करें। ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये नर्मदा किनारा है। ऐसे ही अनेक नदियां पूरे देश में बहती हैं, स्वाभाविक रूप से सहज रूप से अपनी गति में प्रवाहित होती हैं। दरअसल ये जीवन भी इस नदी की तरह ही है। हम सबको सहज गति में प्रवाहित होते रहना है, सहज गति में चलते रहना है, पानी की तरह निर्मल होकर, साफ शुद्ध होकर अपने जीवन को जीते रहना है। जीवन के फलसफे को समझना है कि जीवन क्या है। जीवन मूल रूप से एक सहज गति का नाम है। उस सहज गति में कई बार अवरोध भी आते हैं, कई बार बाढ़ भी आती है। उन सब स्थितियों के साथ जीना ही जीवन है। मैंने कई बार कहा कि जीवन 50-50 का नाम है। सुख के साथ दुख, सहजता के साथ असहजता, शांति के साथ अशांति, निडरता के साथ भय, ये सारी चीजें साथ चलती हैं। डर और निडर दोनों भाई हैं, सुख और दुख दोनों भाई बहन हैं। तो ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक दिखाई देता है लेकिन दूसरा उसके साथ मौजूद रहता है। किसी एक को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना उचित नहीं है, खास तौर पर प्रतिपक्षी भावनाओं को, जो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दे। ऐसी प्रतिपक्षी भावनाओं से हमें हमेशा दूर रहना है, हमेशा उन्हें नियंत्रित करके रखना है। जैसे ही डर को हम अनियंत्रित होने देते हैं, वैसे ही वो जीवन की बागडोर ले लेता है। अपने आप को अच्छे विचारों से पोषित करना बहुत जरूरी है। ऐसे कई अफर्मेटिव वीडियोस मैंने डाल रखे हैं अपने YouTube चैनल पर, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और उन्हें रोज सुन सकते हैं निडरता के लिए। और मैंने कहा कि जड़ पर काम कीजिए, पत्तों को सींचने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जड़ पर हम कैसे काम करेंगे? हम अपने डर की जड़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी जड़ है जहां पर डर बैठ गया है। डर रूपी गंदगी जिन जड़ों में जगह बना चुकी है, जिन जड़ों में डर का कीड़ा लग गया है, उन जड़ों को साफ करना जरूरी है। वो क्या कारण है कि जिसके कारण हम डर के साथ जी रहे हैं और वो डर क्यों पनप रहा है? कारण मैंने साफ तौर पर बताए कि वो कारण नकारात्मक संदेश हो सकते हैं, हमारे आसपास के ऐसे नकारात्मक लोग हो सकते हैं जो हमें बात बात पर डराते हैं। टेलीविजन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। हम जब भी डरावने वीडियो देखेंगे तो एक साथ कई और वीडियो सजेशन में हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा संसार है जो हमारी रुचियों को देखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी पावर है जो जैसे ही देखता है कि हमें डरावनी चीजों से प्रेम है तो वो उसी तरह की चीजें हमें प्रस्तुत करता है, और फिर हमारा दिमाग उस कचरे से भर जाता है और वो कचरा डर के लिए फ्यूल का काम करता है। इसलिए ऐसे कचरे से हमेशा दूर रहें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर तरह की डरावनी चीजों से दूरी बना लें। और यदि आपको ऐसा नहीं भी करना है तो उन डरावनी चीजों को समझ लीजिए। एक बार उनके मनोविज्ञान को समझ लिया, उनके असल कॉज को समझ लिया, जीवन के असल विज्ञान को समझ लिया, तो फिर कितनी ही डरावनी चीजें आ जाएं, जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। शमशान घाट पर जो चिताओं को मैनेज करते हैं, उनके अंतिम संस्कार में मदद करते हैं, उन लोगों को डर नहीं लगता क्योंकि वो उनके साथ स्वाभाविक रूप से जीना सीख जाते हैं। डॉक्टर जो अनेक रोगियों को देखता है उसे डर नहीं लगता, उसके पास हजार प्रकार के रोगी आते हैं लेकिन वो रोग उस डॉक्टर को नहीं लगते क्योंकि वो उस रोग के साथ सहज रूप से जीना सीख जाता है, उस रोग के मनोविज्ञान को समझ लेता है। तो ऐसे अनेक प्रोफेशन हैं जिनमें लोग बहुत खतरनाक और भयावह परिस्थितियों के बीच में बहुत सहजता से जीते हैं क्योंकि वो उसका मनोविज्ञान समझ लेते हैं, वो उसके पीछे की वास्तविकता समझ लेते हैं। तो हम भी यदि डर के पीछे के मनोविज्ञान को समझ लें तो डर के जितने भी कारण हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर हम डर के कारणों से ही दूरी बना लें। ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट विश्वास हमें निडर बना देता है, अनावश्यक डर से मुक्ति दे देता है, क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो परमपिता परमात्मा के हर निर्णय को सहज रूप से अंगीकार करता है, उसके लिए किसी भी चीज का कोई डर नहीं रह जाता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। जिस तरह भी ईश्वर आपको रखना चाहता है आप उस तरह से रहने का अभ्यास कर लें, विश्वास के साथ जीने का अभ्यास कर लें, तब भी डर आपसे दूरी बना लेगा। जब जब हम ईश्वर के प्रति आशंकित होते हैं, उसके निर्णयों के प्रति आशंकित होते हैं, प्रकृति के विधान पर अविश्वास करते हैं, तब तब डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रकृति शायद हमारे साथ अन्याय करे। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, जो भी हमारे साथ घटित होता है कहीं ना कहीं वो हमारे प्रारब्ध का परिणाम ही होता है। और यदि हम ये सोच लें तो जो कठिनाइयां हैं उसको भी हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जो मंदी है उसको भी सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, अभाव है उसको भी सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, बिजनेस में घाटा है उसको भी सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसे हम अपनी ही करनी का फर्म मानते हैं, ईश्वर की इच्छा मानते हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।